Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. हे गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और गाइस, आज का जो वीडियो है ना भाई, आज कुछ मैं अपना नया करने जा रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ। और एक ये बॉडी बिल्डर के लिए और एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे पहले मैं आपको आज का एक वर्कआउट दिखा देता हूँ जो मैंने परफॉर्म किया, और उसके बाद बताऊँगा कि मैंने भाई ये चीज़ क्यों कराने जा रहा हूँ और इसका बेनिफिट बॉडी बिल्डर्स को क्यों है। एक्चुअली क्या है कि बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी मेरे, और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे बैक में भी मसल स्टिफ हो जाता है, मेरे को रेस्ट उतना मिल नहीं पाता, मेरी ड्राइविंग भी है और साथ ही साथ वर्कआउट भी करना ज़रूरी है। तो जब आपका मसल आपके साथ नहीं देता तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी ख़राब होती है। तो सोचा कि भाई आज मसल को टाइम दिया जाए, सैटरडे का दिन है, संडे कल रेस्ट मिल जाएगा, मसल अच्छे से रिकवर कर जाएगा। और रिकवरी करने से पहले मसल को भी थोड़ा आराम देना ज़रूरी है, तो सोचा कि एक ये थेरेपी कराई जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये थेरेपी, उससे पहले एक आखिरी सेट मार लेते हैं फिर चलते हैं। डेडलिफ्ट कर रहा था मैं, उसको परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो वर्कआउट हो गया मेरा ख़त्म। मैंने बैक का वर्कआउट किया था बट आपको दिखाया सिर्फ डेडलिफ्ट का है। और अब चलते हैं भाई थेरेपी कराने। 3:30 बजे का टाइम है और 2:30 बज चुके हैं यहीं पे। तो सबसे पहले मसल्स को अपनी जगह पे लाया गया और कुछ स्कार्स मिले, निशान मिले जो बता रहे थे कि मेरे मसल्स में कुछ क्लॉट्स बने हुए ब्लड के, जो आपको ऑक्सीजन लेवल को और ब्लड फ्लो में आपको दिक्कत करते हैं, जिससे कि मसल को ग्रो करने में भी आपको हेल्प नहीं मिलती। और साथ ही साथ आपकी जो वर्कआउट की जो परफॉर्मेंस होती है, स्पेशली अगर आप बैक की बात करूँ तो बैक के वर्कआउट के टाइम पर आपको उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते आप बैक की एक्सरसाइजेस, जो अब मैंने एक्सपीरियंस करी हैं आफ्टर दिस थेरेपी। उसके बाद मैंने कपिंग करवानी स्टार्ट करी, जो कि अपर बैक में स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके रिमूव हुई और दूसरे मसल पॉइंट्स पे लगाते गए। तो सबसे पहले मैंने थेरेपी कराने का जो सोचा वो बैक के मसल की, ट्रैप की और शोल्डर्स के मसल की, क्योंकि शोल्डर्स में मेरे बहुत ज़्यादा पेन था लेफ़्ट शोल्डर में। तो डॉक्टर से कंसल्ट के साथ साथ उन्होंने यही रेकमेंड किया कि आप बैक की और शोल्डर की और ट्रैप को कवर करवाएं, उसके बाद हम दूसरे मसल्स को थेरेपी देंगे। Rotate your neck side to side. Hold it.
10 seconds. Touch your chin ridges. 1, up. 2, up. 1, crossed. तो इसी तरह जैसे आपने देखा नेक और ट्रैप्स की मैंने थेरेपी करवाई कपिंग की, जिसमें थोड़ा बहुत उन्होंने मूवमेंट बताई कि इसमें राइट टू लेफ्ट होना है और लेफ्ट टू राइट होना है। बाद उन्होंने शोल्डर्स का थेरेपी करना स्टार्ट किया। थेरेपी हो गई है ख़त्म। फर्स्ट टाइम मैंने करवाया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी हल्का फील कर रहा हूँ मैं और बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें कमियाँ निकली जो कि मेरे को मसल ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही थी। बॉडी रिकवरी में नहीं थी और रिकवरी के लिए मसल इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर रहा था, और अगर मसल रिकवर नहीं करेगा तो फिर ग्रो कहाँ से करेगा। मसल रिकवरी कराना मच नीडेड था ये, और मैंने ये करवाई है और 2-3 सेशंस और लेने पड़ेंगे ताकि और भी मसल जो पार्ट्स हैं उनको भी हम रिकवर कर पाएँ। रिकवर इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब मैंने करवानी शुरू करी तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो मसल्स हैं उसमें नॉट्स हैं, जो मेरे को फील भी हुई, जिसकी वजह से ब्लड में इसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारी बॉडी में वो इतना ज़्यादा नहीं बन रहा था। और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नहीं बनेगा तो आप जो भी कुछ खाओगे वो इतना आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, और वर्कआउट भी करोगे मसल को उतना ज़्यादा नहीं लगता, और इंजरीज होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। और शोल्डर में मेरे बहुत पेन था तो मैंने अब करवाई है तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका मसल ग्रो करने में आपको हेल्प नहीं हो रही है, आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, या आपको कहीं पे पेन है मसल में, या फिर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, तो आप ज़रूर ये कपिंग की थेरेपी कराना। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी, और जितने भी एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका ये प्रोफेशन है उन लोगों के लिए ये बहुत एक मच नीडेड है और करानी बहुत ज़रूरी है। अब निकल गए भाई घर की ओर और जाके देखते हैं क्या रिएक्शन होता है घर वालों का। चलो मम्मी के पास चलते हैं। टैटू नहीं है ये, तो भी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, ये स्किन को खींचते हैं ना। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का आपको कपिंग थेरेपी का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कराना ताकि और लोगों को भी इस थेरेपी के बारे में पता चल पाए। तो जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।